हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष धवन और आप हैं हमारे चैनल करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स पे। तो जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं इस वीडियो में आज बताने जा रहा हूं चिकन का एक्सपोर्ट कैसे होता है, क्या ये फ़ायदेमंद है, कौन सी जगह से सस्ता चिकन मिलेगा और कौन सी कंट्री में महंगा बिकेगा। तो जो लोग कन्फ्यूज है प्रोडक्ट सेलेक्शन के लिए तो वो चिकन में इंटरेस्ट ले सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी चिकन में काम कर रहे हैं तो वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, दो तरीके के चिकन एक्सपोर्ट होते हैं, एक होता है फ्रेश, एक होता है फ्रोज़न। अगर मैं बात करूं फ्रेश चिकन की तो फ्रोज़न चिकन से उसकी डिमांड थोड़ी कम रहती है क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ यानी वो जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन फ्रोज़न चिकन की शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहती है क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होता। अगर मैं बात करूँ कि भाई दोनों में कितना कंपैरिजन है, यानी तो ये कह सकते हैं कि यार एक 1:3 की रेशो है, यानी 3 गुना ज़्यादा फ्रोज़न चिकन की मार्केट में डिमांड है। पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड रहती है और आपको मार्जिन्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे, रेगुलर बायर मिलेंगे और इजीली आप बायर को टारगेट कर सकते हैं, अच्छे मार्जिन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। खुद सोचिए किस रेस्टोरेंट में, किस होटल में या किस कंट्री में नॉनवेज नहीं खाया जाता। गल्फ कंट्रीज में तो ज़्यादातर नॉनवेज ही खाया जाता है। तो फिर तो अगर आप इस ट्रेड का सिलेक्शन करते हैं तो बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो बात करते हैं चिकन के HS कोड की। सबसे पहले बात करते हैं होल फ्रेश चिकन के HS कोड की, जिसका HS कोड है 020711 और होल फ्रोजन चिकन की का HS कोड है 020712। जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहें तो अपने प्रोडक्ट का HS कोड आपको पता होना चाहिए। बिना अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ उसको पता कर लीजिए, मैंने आपको बता ही दिया है। और एक बात, अगर आप चिकन को कट करके पीसेस में भी भेजते हैं तो उसका HS कोड भी अलग हो जाता है। तो ये चीज़ें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने से पहले आप ध्यान में रखिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्रेश चिकन की सबसे ज़्यादा कौन से देश में डिमांड है और फ्रोज़न चिकन की सबसे ज़्यादा कौन से देश में डिमांड है। फ्रेश चिकन की डिमांड सबसे ज़्यादा जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, मैक्सिको, UK, बेल्जियम, कनाडा, आयरलैंड, रशिया, हांगकांग, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड और डेनमार्क। अगर आप फ्रेश चिकन में डील करना चाहते हैं तो ये देश आपके लिए हैं, और अगर आप फ्रोज़न चिकन में डील करना चाहते हैं तो जापान, चाइना, हांगकांग, सऊदी अरेबिया, वियतनाम, UK, UAE, इराक, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, जर्मनी, मैक्सिको, अंगोला, फिलीपींस। दोस्तों, इन कंट्रीज़ का सिलेक्शन हमने स्पेशल आपके लिए किया है। इन कंट्रीज़ में आपको बायर बहुत ईजिली मिल जाएगा, मार्जिन्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और एक बात, अगर आप चिकन का काम कर रहे हैं और बायर मिल गया आपको, आप इन कंट्रीज़ के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको बल्क क्वांटिटी में काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है स्मॉल स्केल से आपने स्टार्ट कर वो स्मॉल स्केल तक ही रहेगा, ऑर्डर बहुत ज़्यादा आते चले जाएंगे, तो आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब बताने जा रहा हूँ, अगर सपोज कीजिए आप चिकन का काम शुरू करने जाते हैं तो कौन सी स्टेट से आप चिकन सस्ता अवेलेबल करा सकते हैं। देखिए, वैसे तो चिकन हर स्टेट में अवेलेबल है, लेकिन जहाँ आपको ज़्यादा सस्ता मिल सकता है अगर आप इंडिया से यानी परचेज करके आगे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। इन जगहों पे आपको चिकन एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स आपको एक रीज़नेबल और एक अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, सिर्फ हम एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स में अपने इंस्टीट्यूट में सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस ही नहीं बताते,
आपको प्रोडक्ट का सिलेक्शन कौन से देश में बेचना है, कितना मार्जिन होना चाहिए। आप चाहे बिल्कुल बिगनर हैं, आपको ट्रेन करना हमारा काम है, इसीलिए हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है, आप दिल्ली आ सकते हैं, सिर्फ 5 दिन निकाल लीजिए, रहना खाना हमारी तरफ से। नहीं आ सकते तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले सकते हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, समझ आता है, तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमें भी पता लग जाए कि यार जो हमने मेहनत की है वो सही की है, सही डायरेक्शन में है या नहीं। और अगर कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।